जय श्री कृष्ण। मकर संक्रांति की बहुत बहुत ही शुभकामनाएं, सबके जीवन में बहुत ही खुशियां आए। सबको मकर संक्रांति के दिन दान धर्म करना चाहिए। दान धर्म करने से संक्रांति की इफेक्ट जो रहती वो कम हो जाएगी। तो आइए हम कौन सी राशि को कौन सा दान करना चाहिए। तो फर्स्ट हम मेष, कन्या और कुंभ राशि के लिए बोल रहे हैं। तो सोने के पाए पे बैठ रही है तो उनको पीले वस्त्र, गुड़, पीताम्बर यानी धोती, फिर पीतल के बर्तन और सोने का दान, उसमें से कोई भी एक चीज़ दान कर सकते हो और कैपेबल हो तो पूरे सब दान कर सकते हो, उससे काफ़ी फायदा होता है। अभी आ रही है वृषभ, सिंह और धनु राशि। तो तांबे के पाए में बैठ रही है तो उनको लाल वस्त्र, लाल पीताम्बरी, लाल धोती, गुड़, सिंह और तांबे के बर्तन दान करना चाहिए, उससे काफ़ी फायदा होता है। अभी आ रही है मिथुन, तुला और मकर राशि। तो उन लोगों को रूपा के पाए में बैठ रही है तो सफ़ेद वस्त्र का दान करना है। दूध है, शक्कर है, चावल है, चांदी के बर्तन है, चांदी की गाय है, तुलसी का पौधा, वो भी आप दान कर सकते हो, उससे काफ़ी अच्छा रहता है। अभी आ रहे हैं कर्क, धनु और मीन राशि। तो उनको सोने के लोढ़े के पाए पे बैठ रही है तो काला वस्त्र दान करना है, काली चीज़ें दान कर सकते हो, काला तिल है, उड़द का दाल है ब्लैक कलर की, और लोखंड के बर्तन दान में दे सकते हो तो उससे काफ़ी फायदा होगा। संक्रांति के जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो वो काफ़ी कम हो जाएंगे। तो ये दान धर्म संक्रांति में ज़रूर कीजिए तो उससे आपको संक्रांति की जो इफ़ेक्ट रहती है वो कम हो जाएगी दान धर्म करने से। तो ये वीक के लिए मकर संक्रांति की बहुत बहुत ही शुभकामनाएँ। थैंक यू।